फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लैंगिट्यूड्स एवं लैटिट्यूड्स के बारे में स्टडी करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। इस वीडियो से आपका लैंगिट्यूड्स एवं लैटिट्यूड्स जो भी है वे आपका एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा, पूरा क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितना चीज़ हम इसके लिए लेकर आए हूँ। लैंगिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जिससे आपका कोई किसी भी क्लियरनेस ना बचे। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हम चीज़ जो भी चीज़ है, जो भी अक्षांश एवं देशांतर के बारे में है, उसके टोटल पेंडिंग चीज़ हम लोग लेकर आए हैं जिससे हम लोग सीखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं, इसके क्या कार्य हैं, मानक समय कैसे निर्धारित होता है, ये टोटल क्लियर बात हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप लोग को मोटिवेशन थॉट लेकर आया हूँ कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करते हैं। अगर किसी को कामयाब बनना है तो उसको मंजिल पर फोकस करना होगा, किसी को टोकने से रुकना नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे कि हम लोग लैंगिट्यूड्स एवं लैटिट्यूड्स में क्या होते हैं, इनके कार्य क्या है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो पृथ्वी में किसी भी स्थान का भौगोलिक स्थिति का निर्धारण, है ना, पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश से और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। अर्थात पृथ्वी की किसी भी भौगोलिक स्थिति को हमको अगर निर्धारित करना है तो लैटिट्यूड्स एवं लैंगिट्यूड्स के द्वारा हम लोग रेखाओं का द्वारा हम लोग निर्धारित करेंगे। चलिए क्लियर कॉन्सेप्ट होगा ये वाला, आप लोग समझे यहाँ पर कि अगर पृथ्वी का किसी भी भौगोलिक स्थिति का हमको निर्धारित करना है तो अक्षांश एवं लैटिट्यूड्स एवं लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा हम लोग देखेंगे। चलिए, किसी स्थान का अक्षांश लैटिट्यूड्स धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण, यानी अक्षांश जो आपका होता है, ये जो आपका हो गया यहाँ पर समझिएगा, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया। और हमको देखिए साउथ से जो नॉर्थ होता है ये हम लोग किससे करते हैं, तो अक्षांश से, कि स्थिति को तथा किसी स्थान का देशांतर लॉन्गिट्यूड्स जो होता है धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हमको समझना है कि मान लेते हैं कि ये हमारे धरातल हो गया, पृथ्वी हो गया, और यहाँ पर जो इस तरीका से हम देख रहे हैं इसको बोल देंगे हम, मान लेते हैं यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, चलने काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये आपका पृथ्वी हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ पर आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो हम लोग नॉर्थ और जो साउथ होता है उसको हम लोग किन रेखाओं द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो अक्षांश रेखाओं द्वारा, और जो वेस्ट और ईस्ट होता है उसको हम लोग किससे करते हैं, तो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल जो आपका है और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल जो आपका है, अक्षांश कितना होता है, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। क्वेश्चन आपको किस तरीका से बनेगा कि उत्तरी ध्रुव में कितने डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री आपका साउथ में होते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूड्स एवं लैटिट्यूड्स जो आपका होते हैं 90 डिग्री आपका उत्तर में हो गया और 90 डिग्री आपका साउथ में हो गया। अब अक्षांश रेखाएं लैंगिट्यूड लाइंस को हम लोग देखते हैं, तो भूमध्य रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, है ना, भूमध्य रेखा से आप नाम से ही सोच रहे होंगे कि इक्वेटर, है ना, इक्वेटर इस वाला को लाइन को क्या हम लोग भूमध्य, भूमि को जो मध्य दो भागों में बांटती है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, कि समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की ओर खींची गई रेखाओं को लैंगिट्यूड्स बोलते हैं, लैटिट्यूड रेखा कहते हैं।
भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अक्षांश रेखा माना गया है। अभी मैंने आपको बताया ये पृथ्वी हो गया है और ये जो आपका लाइन है ये 0 डिग्री का है। कितना है? 0 डिग्री का है। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर बोलते हैं। अब इसी टाइप का जो ये रेखा है, इस टाइप का जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं लैटीट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड्स बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? अब आगे हम लोग देखते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? क्लियर फिर समझना आपको कि भूमध्य रेखा है ना इक्वेटर से दक्षिणी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती है। किधर मापी जाती है आपको? दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है? भूमध्य रेखा इक्वेटर जिसको बोलते हैं से अक्षांश लेटीट्यूड की दूरी बढ़ने लगती है। क्या आप सीखे यहाँ पर कि जो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा है ना ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से लेटीट्यूड की दूरी क्या होती है? बढ़ने लगती है ना। अब इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं लेटीट्यूड लाइंस परस्पर समांतर और पूर्ण क्या होते हैं? वृत्त होते हैं। ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगते हैं। ध्रुवों की ओर अगर हमको जाना है तो क्या हो जाएगा? वृत्त क्या होते हैं? छोटे होने लगते हैं। 90 डिग्री का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का अक्षांश कितने बिंदु में होता है परिवर्तित? तो एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट ये चीज़ लेकर आया हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ये आपका उत्तर ध्रुव हो गया। अब उत्तर ध्रुव, अब यहाँ पर देखिए आपको इक्वेटर अभी मैंने आपको बताया कि देखिए इक्वेटर कितना होता है? तो 0 डिग्री का होता है। इसको विषुवत वृत्त भी बोला जाता है। अब विषुवत वृत्त का जो इस वाला क्षेत्र है और इस वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर देखते हैं आप, कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो गया है कितना डिग्री से गया है? कर्क रेखा एग्जामिनेशन में आता है कि कर्क रेखा कितना डिग्री से गुजरा है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी से गुजरा है। अब यहाँ पर कर्क रेखा भारत में भी आता है, याद है आपको भारत का स्थान यहाँ पर है और भारत में भी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री का है कर्क रेखा। अब इस देखिए कर्क रेखा से ये साइड वाला को क्या बोलते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब उसके ऊपर वाला जो ये रहता है उसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। इसका कितना होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है ना। अब ये वाला उत्तरी ध्रुव हो गया और ये साइड वाला हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब देखिए विषुवत वृत्त से जो इक्वेटर है, इक्वेटर का नीचे वाला लाइन जो होता है उसको मकर रेखा, मकर रेखा कितने डिग्री से गया है? तो आपका 23.5 डिग्री से गया है। 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? अभी आपको बताएंगे कि इक्वेटर, अब यहाँ पर समझना है आपको, ये आपका मान लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये आपका इस तरीके से हो गया, ये पृथ्वी हो गया। अब ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ हो गया। अब यहाँ समझना है ये जो इक्वेटर है इसको मान लेते हैं अभी हम लोग इक्वेटर, इक्वेटर ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से इस साइड वाला को हम लोग बोलेंगे उत्तरी, क्या बोलेंगे? उत्तरी बोलेंगे इसको हम लोग, और इस साइड वाला को हम लोग बोलेंगे साउथ, अर्थात क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दक्षिणी बोलेंगे। तो इस साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका है विषुवत वृत्त से जो नीचे वाला लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कितने डिग्री से गया है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी से गया है। अब मकर रेखा का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब उसके देखिए नीचे वाला जो आपका हो गया है इस पार्ट, यहाँ पर ये जो पार्ट, ये पार्ट बोलते हैं इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। इसका कितना डिग्री है आपका? 66.5 डिग्री दक्षिणी है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस एरिया वाले को बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ठंडा, यानी उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध वाला जो एरिया होता है बहुत ठंडा होता है। इस एरिया में, इस देखिए इस एरिया में आपका हो गया उष्ण कटिबंध हो गया। क्या हो गया?
उष्णकटिबंध हो गया। अब यहाँ पर देखिए दक्षिणी ध्रुव हो गया और ऊपर साइड में क्या हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया, तब इस एरिया में क्या होता है बहुत ठंडे होते हैं। चलिए आगे, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे, अब यहाँ पर आपको हम क्लियर, ये क्लियर कराने के लिए आपको पूरा कुछ लेकर आया हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर समझना है विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त कितना डिग्री से गया है तो 0 डिग्री से, उत्तर ध्रुव कितना हो गया 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव कितना हो गया 90 डिग्री। ये सब आपको क्लियर करने के लिए हर पॉइंट को मैं लेकर आया हूँ जिससे हर चीज़ आपका क्लियर हो। अभी देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। अब अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब यहाँ पर आपको देखिए उत्तर ध्रुवीय वृत्त जिसको हम लोग आर्टिक सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्टिक सर्कल बोलते हैं, ये कितना डिग्री गया है 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ में है। क्या है 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ में। एक पूरा इक्वल लेकर आया हूँ कि 66.57 डिग्री है ना, पूरा क्लियर लेकर आया हूँ। जो कर्क रेखा, कर्क रेखा भी हम लोग देखें कि कर्क रेखा कितना डिग्री है तो 23.5 डिग्री है। कितना है 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर 23.5 डिग्री है लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको, कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए ये चीज़ हम बना कर लेकर आया हूँ। कर्क रेखा जो आपका है 23.26 डिग्री पर जाती है, किस साइड में आपका नॉर्थ में है। अब आगे देखिए जो है मकर रेखा, मकर रेखा भी अभी आपको बताया था कि दक्षिण साइड में है, ये भी कितना डिग्री जाती है तो 23.5 डिग्री से गुजरती है दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अब यहाँ पर देखिए कर्क मकर रेखा जो आपका है 23.26 डिग्री है, कितना है 23.26 डिग्री। इसको क्लियर आपको कॉन्सेप्ट को हर चीज़ को इसको याद कर लेना है। अब दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, ये आपका 66 डिग्री 34 मिनट है। अभी आपको बताते हैं ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितना होता है 66.5 डिग्री होता है, दक्षिण साइड में होता है 66.5 डिग्री दक्षिण साइड में हो गया आपका। इस एरिया में क्या होता है बहुत ठंडे पड़ते हैं, अभी आपको बताया हूँ। अब जो आपका क्लियर लाइन जो होता है इसको पूरा क्लियर करते जाता हूँ। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। याद हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। फिर से आप याद कीजिएगा हमारे साथ, विषुवत रेखा 0 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है मकर रेखा कितना है 23.5 डिग्री है। अब आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, अब हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी के क्या जो है ताप कटिबंध को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उष्ण कटिबंध सबसे पहला जो आता है आपका उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कौन एरिया होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी क्लियर कॉन्सेप्ट करते हैं। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। क्या होता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा, जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच होता है कि सभी अक्षांशों पर क्या होता है सूर्य एक बार, सूर्य जो होता है वर्ष में एक बार जो होता है, वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अभी दिखाते हैं अभी किस एरिया में हम लोग थे, यहाँ पर देखिए उष्ण कटिबंध, अभी इस जो एरिया है इसको हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है सूर्य ठीक दोपहर में ठीक क्या होता है सामने होता है वो, और यहाँ पर क्या होता है अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इस एरिया में क्या होता है अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसके चलते ये आपका अधिकतर जो आपका होता है ये गर्मी वाला क्षेत्र होता है। मकर रेखा भी मैंने बताया, मकर रेखा का ऊपर वाला, कर्क रेखा ये वाला, इस वाला जो एरिया है इक्वेटर, जो इक्वेटर है इक्वेटर के ऊपर यहाँ पर ठीक आपको हर दोपहर के, वर्ष में एक बार दोपहर पर क्या पड़ता है यहाँ पर ठीक ऊष्मा प्राप्त होता है, सूर्य इसके ठीक ऊपर होता है। चलिए ठीक, इसको क्लियर हो गया। और आगे आगे कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर थे। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य
कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव जो होता है अभी बताते हैं आपको हम, ध्रुव इस साइड में हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया, इस साइड में क्या हो गया दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब ये सूर्य जो आपका है, मान लेते हैं ये आपका हमारा सूर्य है, सूर्य जो होता है सूर्य का जो किरणें होता है इस ओर और इस ओर क्या होगा तिरछा आएगा। अभी बताएं जो इक्वेटर हो गया इस साइड और इस साइड क्या होगा आपका सामने से आएगा, यानी ठीक ऊपर आता है। अब यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती है तिरछी होती है। अब शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है मध्यम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अभी हम दिखाते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध किस एरिया को बोलते हैं। आ जाओ शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पर अभी मैंने बताया कि कर्क रेखा के ये वाला और मकर रेखा के ये वाला पार्ट जो आपका होता है इस एरिया में जो होता है, इस एरिया में जो होता है क्या होता है मध्यम होता है। मतलब जो यहाँ का जलवायु जो होता है, क्लाइमेट जो होता है क्या होता है मीडियम साइज का होता है। मकर रेखा का ये इस पार्ट वाला, इसको देखिए उत्तर साइड में उसको बोल दिए हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण साइड में जो आपका मकर रेखा है इधर वाला एरिया क्या बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इधर क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग जहाँ पर थे, हाँ शीतोष्ण कटिबंध थे। अब फिर से देखिएगा आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है मीडियम साइज का होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध, अब शीतोष्ण कटिबंध आपका क्लियर हो गया। अब शीत कटिबंध हो रहा है, क्या रहा है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध अब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडे क्षेत्र जो होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो इस एरिया हो गया ये नॉर्थ वाला हो गया, ये साउथ वाला हो गया, इस एरिया में जो सूर्य की किरणें होती है क्या होती है तिरछी होती है। दिखाते हैं अभी आपको हम शीत कटिबंध किस एरिया में पड़ता है। शीत कटिबंध किधर गया, ये एरिया यहाँ पर देखिए है शीत कटिबंध। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में हो गया उत्तरी शीत कटिबंध हो गया, और इस एरिया में जो आपका यहाँ पर जो आपका है ये वाला एरिया हो गया ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, सूर्य अगर मान लेते हैं रहता है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है तिरछी पड़ती है, क्या पड़ती है तिरछी पड़ती है, इसलिए ये जो आपका है एरिया आपका है अधिकतर ठंडे वाला क्षेत्र है। कहाँ पर थे हम लोग, हाँ शीत कटिबंध थे। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स। लॉन्गिट्यूड्स लाइन अर्थात दशांतर रेखाएँ क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हर चीज़ लेकर आया हूँ। अब देखिए ये वाला जो लाइन हो गया, मान लेते हैं ये अभी आपको हम दिखाएं, ये जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटीट्यूड्स बोलते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। अब ये जो लाइन होता है, ये वाला लाइन होता है, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये जो लाइन होता है ये वाला लाइन होता है, इस वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं लैटीट्यूड्स बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप देशांतर किस तरीका से है, उत्तर ध्रुव में है इस साइड में, यहाँ पर उत्तर ध्रुव हो गया, और इस साइड में कितना हो गया आपका यहाँ पर दक्षिण ध्रुव हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट होता है ये 0 डिग्री का होता है, यहाँ पर कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, उत्तर ध्रुव हो गया, और इस साइड में क्या हो गया दक्षिणी ध्रुव हो गया।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। कितने डिग्री का होता है देशांतर? तो 360 डिग्री का होता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों उत्तरी ध्रुव दोनों भूगोलीय ध्रुव कौन है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची हुई काल्पनिक माध्यम रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब यहाँ पर हमको समझना है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो रेखा है, इस टाइप का जो रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव से यहाँ पर उत्तर साइड हो गया, यहाँ पर आपका हो गया क्या दक्षिण साइड हो गया। इससे जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड्स बोलते हैं, अर्थात देशांतर रेखाएँ कहते हैं। अब यह ग्लोब पर किससे हम लोग को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर समझना है, हम लोग ग्लोब पर समझेंगे। तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों, जो भूगोलीय ध्रुव कौन होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक माध्यम रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। जो रुक जाइएगा, इसको रंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर इसका चेंज करते हैं। चलिए क्लियर आ गया। अब क्या थे अभी दो जो भूगोलीय ध्रुव आपको बताया, उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। भूगोलीय ध्रुव दो कौन आपका है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। के बीच खींची हुई काल्पनिक माध्यम रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। जो माध्यम रेखा जिस बिंदु या स्थान से गुजरती है उसका कोणीय मान उस स्थान का क्या होते हैं? देशांतर होता है। सभी देशांतर रेखाएँ अर्धवृत्ताकार होती है। क्या होती है? अर्धवृत्ताकार होती है। इस टाइप का जो रेखा है अर्धवृत्ताकार होती है और ये समांतर नहीं होती है एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर अभिसरित होकर मिल जाती है। क्या होती है? ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर देखिए इस टाइप से जाएगा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये जो हो गया यहाँ से आकर क्या होती है? मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो देशांतर का जो रेखा होता है किस टाइप का होता है? अर्धवृत्ताकार होता है, कभी भी ये समांतर नहीं होती है और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर अभिसरित होकर क्या होती है? मिल जाती है। अब ग्रीनविच हम लोग समझते हैं, जो मानक टाइम जो है उसको हम लोग समझते हैं। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। अब ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो लंदन में है। से गुजरने वाली यमुना से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। किस साइड से गिनती शुरू की जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पर देखिए ये आपको हम बता दिए, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब इस टाइप से ये जो आपका हो गया ईस्ट हो गया, ये आपका हो गया क्या वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया आपका। अब कैसे गणना होती है? ग्रीनविच जो हो गया जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, यहीं पर आप ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ पर? लंदन में। से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। किससे गिनती शुरू की जाती है? तो पूर्व से इस साइड वाला जो आपका हो गया, अभी बता हम इधर वाला ईस्ट हो गया और ये साइड आपका हो गया वेस्ट हो गया, तो पूर्व से पश्चिम की ओर हम लोग गिनती करते हैं। अब इस यमुनोत्तर को प्रमुख यमुनोत्तर क्या कहते हैं? प्रमुख यमुनोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख यमुनोत्तर कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर है। अब याद करना है आपको, अब राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में है, जो लंदन में है, उसका देशांतर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तथा यहाँ से हम 80 डिग्री पूर्व और 80 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। जैसे देशांतर हो गया, देशांतर कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का होता है। ये नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया? साउथ हो गया। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश वेधशाला है वो कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। कितना डिग्री का देशांतर है? तो 0 डिग्री का देशांतर है, 0 डिग्री का देशांतर है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? तो 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अभी आपको बता दिया कि इसको क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गणना करते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रधान यमुनोत्तर क्या है। तो प्रधान यमुनोत्तर जो होता है तथा 180 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों
पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। क्या करती है? जो प्रधान यामोत्तर है 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये जो आपका हो गया स्टेप, यहाँ ये जो बीच वाला रेखा हो गया 180 डिग्री का है। अब ये जो होता है पृथ्वी को, ये वेस्ट साइड हो गया, ये इस किस साइड हो गया आपका वेस्ट ईस्ट साइड हो गया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू लिखते हैं। जैसे हमको 30 डिग्री लिखना है पूर्वी देशांतर, तो 30 डिग्री इस टाइप से हम लोग पूर्वी देशांतर लिख सकते हैं। और तथा पश्चिम के लिए अक्षर है ना, जो पश्चिम के लिए हम लोग अक्षर उपयोग करते हैं प प, जैसे हमको 30 डिग्री पश्चिम लिखना है तो 30 डिग्री पश्चिम इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है? एक ही रेखा पर स्थित है। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? अब आगे हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स क्या है, इसको क्लियर कॉन्सेप्ट को हम लोग करते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। किससे हम लोग मापते हैं? अब यहाँ पर समझना हमको कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। किसी भी हमको समय मापना है तो उसका किससे हम लोग माप पाएंगे? हम लोग गति से। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जो परछाइयाँ जो होती है, मान लेते हैं अगर दोपहर है तो दोपहर में जो परछाई होता है, दोपहर में परछाई क्या होगा? सीधी होगा, एकदम सीधी आएगा। और मान लेते हैं यहाँ पर जो सूर्य है, अगर ये मान लेते हैं ये कोई मनुष्य है, इसका जो परछाई जो आएगा जब सूर्य का इस पर किरण पड़ेगा, जब दोपहर होगा तो सीधा लाइन आएगा, और जब सूर्योदय होगा तिरछा आएगा, और सूर्यास्त होगा तो तिरछा आएगा। तो दोपहर के समय सबसे क्या होती है? सबसे छोटी होती है परछाई जो होती है। उन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होती है? सबसे लंबी होती है, तिरछा टाइप का आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। और दोपहर के सामने पर पड़ेगा, ऊपर से सिर पर पड़ेगा तो इसका सीधा लाइन आएगा। और ये देखिए आपका भारत का जो है, ये है भारत का मानक समय, जो देशांतर वाला जो है आपका, इस साइड में जो आपका 97 डिग्री पूर्व में है और इस साइड में है 68 डिग्री पूर्व में है। और जो भारत का मानक समय है, जो आपका मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व में है। ये कहाँ से गया है? सबसे पहले कहाँ जाती है? तो यहाँ पर इलाहाबाद जो आपका है, इलाहाबाद वहाँ से आपका लिया गया है इसका, है ना। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। कहाँ से गया है? तो इलाहाबाद के समीप एक स्थान है, वहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। क्या होगा? दोपहर होगा। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर, जब सूर्य जो होता है कि आकाश पर जब सबसे ऊंची बिंदु पर होगा, तो उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी किस साइड से घूमती है आपका? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। अब समझना हमको जो पृथ्वी किस तरफ से आपके घूमती है, तो आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, जो ग्रीनविच के क्या मान लेते हैं, ये ग्रीनविच हमारा टाइम है, इस साइड का जो पूर्व में है, ये पूर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम साइड हो गया। इस साइड में जो आपका पूर्व में है उसका स्थान क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा? जो पूर्व के स्थान जो है उनका समय क्या होगा? ग्रीनविच से आगे होगा। और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? पीछे। ये साइड वाला आपका पश्चिम में समय क्या होगा? सबसे पीछे होगा। भारत, अब देखिए अभी आपको बताया हम कि भारत के मध्य भाग इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरने वाली यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री है ना, के स्थानीय समय देश के मानक समय माना गया है। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। सबसे पहले कहाँ आया है? मध्य भाग में। कहाँ से आया है? तो इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के
मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है। कितना डिग्री है इसका? 82.5 डिग्री, यही भारत का मानक समय है। अब के स्थानीय समय को देश का मानक समय, वही क्लियर आपका बात हो गया कि इसका स्थानीय मानक समय ही हम लोग देश का मानक समय है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो आपका है 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो 360 डिग्री घूमती है, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री, एक घंटे में उसको 360 को 24 से अब भाग लगाइएगा तो ऑटोमेटिक आएगा 15 डिग्री आएगा, है ना। एवं 4 मिनट में कितना हो गया? 1 डिग्री घूमती है, अर्थात जो आपका हो गया डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगाती है, है ना। तो एक घंटे में कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया, तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री घूमता है, अर्थात डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का क्या करता है? समय लगाता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ वेप स्थानीय में लगभग एक घंटा कितना अंतर है? 45 मिनट। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो गया भारत, है ना, ये भारत हो गया, यहाँ पर असम साइड है, यहाँ पर जो असम है और इस साइड में जो गुजरात है, यहाँ पर गुजरात हो गया। अब ये दोनों का जो अंतर है, यहाँ से मानक समय गया है ना, यहाँ से मानक समय गया है, कितना डिग्री गया है? 82.5 डिग्री गया है। अब ये जो इसका अंतर है, मतलब अर्थात अगर सूर्य जो सबसे पहले कहाँ निकल जाएगा? इस साइड में आ जाएगा, और इस साइड में एक घंटा 45 मिनट लेट का है ना, तो ये घंटा 45 मिनट का अंतर है दोनों का। भारत और ग्रीनविच जो लंदन में, अभी आपको बताया था ऊपर में कि लंदन में ग्रीनविच समय है, तो भारत और जब देखिए भारत और ग्रीनविच के लंदन के समय में कितना घंटा का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है भारत और ग्रीनविच के समय में। जो ग्रीनविच एक्यूरेट जो आपका है 20वां का ग्रीनविच कहाँ है? तो राजकीय वेधशाला ब्रिटिश में है, और कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। तो कितना भारत और ग्रीनविच समय जो आपका है उसमें कितना घंटे का अंतर है? तो भारत का जो आपका है 5.5 घंटे का अंतर है, अर्थात उनसे भारत क्या करता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। इसलिए जब लंदन के दोपहर में 2 बजता है तब भारत के शाम के कितना बजते हैं? 7:30 बजता है ना, तो 7:30 बजता है। अभी बताया आपको हम कि आगे है ग्रीनविच टाइम से आगे है भारत, जैसे 5.5 घंटा। अब लंदन में दोपहर का 2 बज रहा है तो भारत में कितना हो जाएगा शाम के? 7:30 बजेगा। और कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय, ये आपका काम करेगा आपको, है ना, इसको याद कर लेना है कि रूस में कितने मानक समय है, तो 11 मानक समय को अपनाया गया है। विषुवत जो रेखा है पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। कितना दूरी है? 111.32 किलोमीटर दूरी है। अगला पॉइंट जो आपका है कटिबंध एवं ग्रिड को समझते हैं। दो अक्षांश रेखाओं लैटिट्यूड्स के लाइन के बीच के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। और दो देशांतर रेखाओं, है ना, दो देशांतर रेखाओं का लाइन को क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा देते हैं, जैसे ये हो गया, अभी आपको बताया था ये जो आपका लाइन हो गया क्या हो? इसको बोलते हैं हम लोग, बताइए, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, और ये जो लाइन आपका हो गया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये बोलते हैं, इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड्स। तो अब जो इसका अंतर जो होता है, जैसे एक ये आपका हो गया देशांतर हो गया और ये वाला देशांतर हो गया, ये दोनों रेखाओं के बीच जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र जो हो गया ना, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। और जो क्या कहते हैं इसको बोलते हैं क्या, इसको, ये आपका अर्थ हो गया, और ये जो लाइन हो गया इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पर जाता है। मकर रेखा, ये कर्क रेखा हो गया 23.5, ये मकर रेखा हो गया कितना आपका? 23.5 डिग्री दक्षिण साइड में, 23.5 डिग्री ये उत्तरी साइड में आपका कर्क रेखा हो गया। अब ये जो दोनों दूरी है इसका, जैसे एक रेखा ये वाला हो गया, अब जैसे कर्क रेखा ये है, अब इससे इक्वेटर, ये जो अब ये दूरी जो होता है बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। आज का सेशन इतना ही आप लोग के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर कीजिएगा।